राम राम मेरे लाडलो, कैसे हो? एक बार बेल्ट लगा लूं भाई। हाँ तो राम राम लाडलो, कैसे हो भाई? उम्मीद है बढ़िया होंगे। हैशटैग राम राम आर्मी लिख दो भाई। आज की जो वीडियो इस टॉपिक पर रहने वाली है कि अपना जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मैं बेवकूफ बनाता है 101%। आज आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा कैसे बेवकूफ बनाता है। और हम में से कई लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही ट्रस्ट करते हैं कि भाई कितनी माइलेज दे रहा है वो शायद से सही होगा, बट वो सही होता नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा, एसी बंद के साथ, ऑन के साथ। गाड़ी के टायर्स में भी हवा थोड़ी सी कम है, उसके बाद भी जो है सब गाड़ियों में आपको सेम ही मिलेगी जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की माइलेज है। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और कोई गलती लगे आपको इस वीडियो में तो भाई कमेंट करके बता दो कि हाँ भाई मैंने गलत तरीके से देखा था, या जो भी है उस पर भी सुधार करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरे लाडलो, मैं आपको जो है आज बताने वाला हूँ कैसे जो है आपकी गाड़ी बेवकूफ बनाती है। ठीक है, तो भाई देखो एसी है यहाँ पे अपना बंद, और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम लोग सोचते हैं कि भाई अपनी जो गाड़ी है वो माइलेज बहुत बढ़िया दे रही है और ये सब दे रही है, भाई वो सब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे झूठ है। ठीक है, एक बार यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ अभी। ये लो भाई रीसेट होगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ माइलेज एक बार गाड़ी पूरी चला के, समझ आ जाएगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखना कितनी माइलेज दे देगी ये। बाईस पॉइंट दो की दे दी, अभी और भी बढ़ जाएगी। तो चलो 22.2 की इन एंड अराउंड एवरेज मान लेते। तो भाई आपने एसी बंद के साथ तो देख ली होगी कितनी देरी थी, अब मैं आपको एसी ऑन के साथ भी दिखा देता हूं एक बार। तो भाई अब जो है अपा इसका एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रीसेट कर देते हैं यहां से, हो गया। ठीक है, अब जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है, कितनी देती है एसी बंद के साथ भी, मतलब एसी चालू के साथ भी। भाई 20.5 से स्टार्ट है एसी चालू, यहां दिख रहा होगा आपको। चौबीस पॉइंट नौ, तो भाई एसी वापस बंद कर दिया मैंने, और यहां पे आप देख सकते हो 14.2। एसी ऑन के साथ गाड़ी जा रही थी 24.5 के साथ, 9 के करीब। एसी बंद कर दिया तो 14.7 पे आके टिक गई है। एंड मतलब मेन है कि भाई ये जो है इस पे आप टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते। और यहाँ पे इतनी चौड़ी रोड नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छा तरीके से नहीं दिखा पा रहा। मतलब 15.7 ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो है ये माइलेज फ्लक्चुएट करती रहती है। तो भाई अब मेरे कई लाडले पूछेंगे कि भाई कैसे जो है आप चेक करते हो कि आपकी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है एग्जैक्टली एकदम एक्यूरेट। तो भाई सिंपल सा उसका सीन है कि आपको ब्रिम टू ब्रिम जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा। ब्रिम टू ब्रिम से मेरा मतलब है कि भाई फुल टैंक भरवाओ गाड़ी को, 1 किलोमीटर चलाओ, 2 किलोमीटर चलाओ, और उसके बाद जो है अब देखो डिक्रीज हो रही है माइलेज। ठीक है, और उसके बाद जो है अब आपकी गाड़ी को फिर वापस फ्यूल डलवाओ उसमें। मैं आपको समझाता हूँ पूरा। तो लाडलो जैसे कि आपने देखा होगा भाई, अपने जो है अपनी गाड़ी का टेस्ट करा पूरा आपके सामने लाइव। एसी में 24.9 तक चली गई थी, बिना एसी के एक बार 26 तक चली गई थी, पता नहीं कितनी गई थी याद नहीं। और फिर से जब एसी बंद करा तब 14 की आ गई माइलेज। तो भाई ये जो चीज है आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ब्रिम टू ब्रिम से मेरा मतलब क्या होता है भाई, एक बार पूरी जो है अपनी गाड़ी को भरवाओ ऊपर तक, मान लो फुल टंकी कराओ। अब 2000 में होती है, 3000 में होती है, गाड़ी को थोड़ा सा चलाओ। ठीक है, मान लो आप 3 किलोमीटर चला रहे हो गाड़ी को, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद जो है उसके बाद नोट करो कि कितना उसमें लीटर जो है पेट्रोल कम हुआ। उसके बाद आप उसको 3 से ज्यादा चलाओ ताकि अंदाजा लग जाए आपको, जो लगता है आपके मतलब 15 किलोमीटर चला लोगे। उसके बाद वापस आपकी गाड़ी को भरवाओ पूरा ऊपर तक, एकदम जो अपना फ्यूल वाला होता है, एंड फिर आप चेक करो भाई कि कितना लीटर इसमें फ्यूल और आया। तो उससे कैलकुलेट करके आप सिंपल अंदाजा लगा सकते हो कि भाई आपकी गाड़ी जो है कितने किलोमीटर दी है कितना। ये कई लोग क्या करते हैं भाई, फुल करवा देते हैं टंकी और यहाँ पे माइलेज देख लेते हैं, और उसके बाद जो है टंकी खाली मतलब सोचते हैं कि एम्प्टी की आ गई तो उसके बाद है कैलकुलेट कर ले, बट वो तरीका नहीं, क्योंकि रिजर्व में हमें नहीं पता होता कितना पेट्रोल रह रहा है कितना नहीं रह रहा होता। ब्रिम टू ब्रिम बेस्ट मेथड होता है चेक करने का किसी भी गाड़ी का कि कितनी दे रही है माइलेज। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपनी गाड़ी का पता चलाओ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। खैर आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं लाडलो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।